दोस्तों, जो लोग ऑफिस में काम करते हैं, जिनका काम ज़्यादातर बैठकर ही होता है या फिर जिनका पूरे दिन के अंदर बॉडी को यूज़ करने का कुछ भी नहीं होता है, तो उनकी बॉडी धीरे धीरे स्टिफ होना स्टार्ट हो जाती है और यही स्टिफनेस आपकी बॉडी में अलग अलग पेन के रूप में आपको दिखाई देगी। तो उस प्रॉब्लम का अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए तो मेरा वीडियोस ये देखते जाइए, क्योंकि ये वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपकी बॉडी में स्टिफनेस ज़्यादा है तो किस तरह से आप अपनी बॉडी की जो स्टिफनेस है उसको दूर कर सकते हैं। अगर आपकी बॉडी में भी स्टिफनेस की वजह से पेन स्टार्ट हो गया है या फिर आपका भी बॉडी पूरा स्टिफ हो गया है, तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, क्योंकि आज मेरे पास एक बेहतरीन आसन है जो कि आपके लिए लाए हो और ये आपके स्टिफनेस का डेफिनेटली सॉल्यूशन लेकर आएगा। आपकी जो स्टिफनेस है या फिर आपकी जो प्रॉब्लम्स है, आपकी जो बॉडी के अंदर ज़्यादा जो टाइटनिंग हो रही है उसको कैसे फ्लेक्सिबिलिटी में कन्वर्ट करें, उसी के ऊपर आज हम ये आसन आपको समझाएंगे। तो आइए जानते हैं कि वो क्या है और किस तरह से आपको करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर डी। स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल के ऊपर। आज हम सीखेंगे त्रिकोण आसन और यही एक आसन है जो कि आपकी स्टिफनेस या फिर आपकी बॉडी में जो भी जकड़न होगी या फिर जो भी पेन होगा उसको दूर करने के लिए खाली त्रिकोण आसन आपके लिए काफ़ी होगा। इस आसन को ट्रायंगल पोज भी कहा जाता है और ये आसन स्टैंडिंग पोजीशन की श्रेणी में आता है, यानी कि ये आसन को हमें खड़े रहकर करना होता है। और ये आसन जो है, हम हमारी जो योगा सीरीज है या फिर हमारा जो योगा सीरीज जो चालू है प्रोग्राम, उसके अंदर ये 12वां नंबर का आसन है और 12th नंबर में ये आसन आता है। और बाकी की अगर आपको मेरे जो पुराने वीडियोस देखने हैं, पहले के वीडियोस देखने हैं, तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके आप ये सारे वीडियो सीक्वेंस के अनुसार आप यहाँ पर मेरे चैनल पे देख सकते हैं। तो प्लीज़ मेरे चैनल के सब्सक्राइब करते जाइए और बिल्कुल ये फ्री रहेगा और आपको कोई चार्ज भी इसको देना नहीं पड़ेगा। और हाँ दोस्तों, ये त्रिकोणासन हमारे योगा प्रोटोकॉल में भी इसका समावेश किया गया है, यानी कि हम जो 21 जून को जो योगा डे करते हैं, इंटरनेशनल योगा डे मनाते हैं, और कुछ ही दिनों में योगा डे आने वाला है, तो उसी के अंदर ये त्रिकोणासन का भी समावेश किया गया और सारी दुनिया इसको उसी दिन अच्छी तरह से करेगी। तो आप भी मेरे साथ ये आसन को कीजिएगा और अपनी हेल्थ को और ज़्यादा इम्प्रूव कीजिएगा। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि त्रिकोणासन कैसे करते हैं, किसको करना चाहिए, कौन नहीं कर सकता, और करने के बाद आपको उसकी बॉडी के आपकी बॉडी के अंदर क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, वो सारी बातें आज हम डिटेल में जानेंगे ये आसन के थ्रू। त्रिकोण आसन, इस आसन को ये नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इसे करते समय हमारा शरीर यानी हाथ, पैर और रीढ़ की हड्डी एक त्रिकोण का आकार ले लेते हैं। तो इस आसन को करने के लिए आप सीधे खड़े हो जाएं। अब अपने पैरों को परस्पर आरामदायक दूरी पर रखकर खड़े हो जाएं। धीरे धीरे अपने हाथों को ऊपर उठाएं ताकि वो आपके दोनों कंधों की सीध में आ जाए। सुनिश्चित करें कि हाथ एकदम सीधे और एक स्तर पर हो, ऊपर नीचे या आगे पीछे नहीं। अपने बाएं पैर के पंजे को सीधा रखते हुए अपने दाहिने पैर के पंजे को 90 डिग्री घुमाएं। अब एक लंबी गहरी सांस लें और फिर धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए अपने शरीर को दाहिनी ओर कमर से झुकाएं। दाहिने हाथ से अपनी दाहिनी एड़ी को छूने का प्रयास करें और अपने बाएं हाथ को ऊपर आसमान की ओर उठा लें। हो सकता है आप में से कुछ अपने हाथ को अपनी एड़ी तक ना पहुंचा पा रहे हो, तो ऐसे में अपने हाथ को वहीं तक ले जाइए जहां तक आपका हाथ बिना किसी तनाव के पहुंच सके। इस स्थिति में कुछ देर आराम से रहें, सामान्य रूप से सांस लें और छोड़ें। पूरे शरीर में आराम को अनुभव करें। अब धीरे धीरे सांस अंदर लेते हुए वापस ऊपर की ओर आइए और अपने दाहिने पैर को सीधे कर लीजिए। अब अपने बाएं पैर के पंजे को घुमाएं और दोबारा यही आसन अपनी बाईं तरफ से दोहराएं। ये आसन जितना सरल है उतना ही उपयोगी भी है। ये आपके कमर की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है और आपको चपटे तलवों यानी फ्लैट फुट की समस्या से भी बचाता है। जंघाओं, कंधों, छाती तथा रीढ़ की हड्डी को मजबूत और लचीला बनाता है। लेकिन अगर आपको गर्दन या पीठ पर चोट लगी हो,
स्लिप डिस्क या साइटिका जैसी पीड़ाएं हैं तो कृपया इस आसन को ना करें। जब आप लंबी गहरी सांसें लेते और छोड़ते हैं तो ये आपके मानसिक तनाव और चिंता का भी निवारण करता है। तो देखा दोस्तों आपने कि किस तरह से त्रिकोणासन किया जा सकता है, त्रिकोणासन किसको करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए, वो करने से आपको क्या बेनिफिट मिलेंगे और उसकी वजह से आपकी जो भी हेल्थ रिलेटेड जो भी इश्यू रहेंगे वो आपको धीरे धीरे किस तरह से दूर होंगे, तो सारी बातें आपने जानी। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सारा इंडिया इसका लाभ ले सके, क्योंकि हम फिट तो इंडिया फिट, और इंडिया जैसे फिट रहेगा हम भी अच्छी तरह से अपनी हेल्थ को और ग्रो कर पाएंगे। तो देखिए इस वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अच्छा लगा तो मेरा वीडियो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद। इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें।